अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल कुक विद अशुमान। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सरोज़ डलगोना। इसकी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, फुल ऑफ क्रीम एंड मिल्क। तो इसको बनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। चलें रोज़ डलगोना बनाना शुरू करते हैं। रोज़ डलगोना बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मिक्सी में या ब्लेंडर में आप दूध डाल लें। चिल्ड दूध है ये, बिल्कुल ठंडा है। जितना चाहें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी जितनी भी क्वांटिटी बनानी है उसके हिसाब से इसको ले सकते हैं। हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, वो भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करनी है। मैंने 2.5 टीस्पून इसमें ऐड की है। अब इसकी जो मेन चीज़ है, फ्रेश रोज़ हमने लिया है, फ्रेश रोज लीव्स इसमें डालने हैं हमने इस तरह से। ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, फ्रेश रोज का जो है। अब इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट इसको हमने ब्लेंड कर लिया, 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देते हैं ताकि जो फ्लेवर है रोज का और इसका साथ में जो कलर है वो इसमें दूध में आ जाए। तब तक हम लोग अपनी क्रीम बीट कर लेते हैं। ये मैंने हाफ कप जो है ये विपी विप क्रीम ले लिया, जो बाजार से हमें मिलती है। इसके लिए ये बॉल जो जिसमें आपने इसको विप करना है वो भी फुल चिल्ड होना चाहिए, फुल ठंडा होना चाहिए। फ्रीजर में इसको 10 से 15 मिनट पहले आपने बीट करने से इसको ठंडा कर लेना है। और इसके साथ ही मैंने नीचे ये आइस क्यूब्स डाल के एक बॉल में रख ली है ताकि गर्मी ज़्यादा है तो ये अच्छे से बीट हो सके। इसकी जो एसेसरीज हैं हमारे, ये टूल्स जो हैं, इनको भी सबको मैंने फ्रीज कर लिया है 5 मिनट के लिए ताकि ये भी फुल अच्छे से ठंडी हो जाए। अब इसको 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो पे बीट करेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए, और उसके बाद इसको हाई स्पीड पे 5 मिनट बीट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लफी हो जाएगी। तो चलिए इसको बीट करना शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये मैंने 1 मिनट के लिए इसको बीट किया, ये बिल्कुल लो इसको जो है स्पीड पे बीट किया ताकि ये फट ना जाए। अगर डायरेक्टली आप इसको हाई स्पीड पे बीट करेंगे तो क्रीम हमारी फट जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है इसकी। तो चलिए अब इसको हाई स्पीड पे शुरू करते हैं बीट करना जी। ये 3 से 4 मिनट इसको हमने मजीद बीट कर लिया। देखिए इसके पीक्स किस तरह से बन रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रोज डलगोना है तो इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून की क्रीम मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड की है। अब इसको भी इसमें बीट कर लेते हैं। क्रीम हमने अच्छे से बीट कर ली है। अब इसका हम 1 टेबलस्पून भर के जो हमने मिल्क जो शेक बनाया हुआ है रोज का उसमें ऐड करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा और। अब इसको एक दफा आइस क्यूब डालते हैं इसमें। इसमें ये मैंने ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून डाल ली है जो हमने क्रीम विप की है रोजा वाली। अब साथ इसमें आइस क्यूब्स डालते हैं। इसको एक दफा 1 मिनट के लिए फिर से ब्लेंड करते हैं जी। अब ग्लास को थोड़ा सा हम जो है गार्निशिंग के लिए रेडी कर लेते हैं इस तरह से। ये रूह अफ़ज़ा से ही हम कर रहे हैं, ये देखें इस तरह। इसको सारे ग्लास में घुमा के जो एक्स्ट्रा है उसको दोबारा कप में निकाल लेते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे ग्लास पे ग्रीस हो चुका है, ये हमारा गार्निशिंग के लिए ग्लास रेडी है। अब इसमें दूध डाल लेते हैं। ये हम इसमें दूध ऐड करेंगे। साथ ही हमने जो पाइपिंग बैग में डाल के रखी हुई है अपनी विप क्रीम वो भी इसमें ऐड करते हैं। ये हमारी जो विप क्रीम हमने की हुई है उसको इस पर डाल देते हैं। हमने लगा ली इस पे विप क्रीम। अब इसको थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए हमने फ्रेश रोजेज लिए हैं वो इस पे मैं लगा लेती हूँ इस तरह से। ये हमारा ज़बरदस्त सा रोज डलगोना बनकर रेडी हो चुका है। इसके साथ ही हमारी रेसिपी एंड होती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।